हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक बहुप्रतीक्षित रूट पर HRTC ऊना द्वारा माता चिंतपूर्णी से श्री खाटू श्याम जी के लिए हाल ही में शुरू की गई बस पर। माता चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। वहीं श्री खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इन दोनों धार्मिक महत्व की जगहों को आपस में जोड़ने के लिए HRTC ने ये एक नई पहल की है, जिससे न केवल श्रद्धालुओं बल्कि स्थानीय लोगों को भी भरपूर फायदा होने वाला है। इससे पहले हिसार व सीकर की तरफ HRTC की कोई अन्य बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम इस नई शुरू हुई बस सेवा के बारे में सारी बातें करेंगे और चिंतपूर्णी से खाटू श्याम तक का पहले दिन का सफ़र भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। आज 23 अक्टूबर है और आज नवमी का दिन भी है। आज ही के शुभ दिन पर माता चिंतपूर्णी से श्री खाटू श्याम जी के लिए बस की शुरुआत हो रही है। बस यहां से शाम 4 बजे जाएगी और मैं करीब 2 बजे यहां चिंतपूर्णी बस स्टैंड पहुंच गया हूं। बस को फूल मालाओं से सजाया गया है और ऊना डिपो की सबसे सुंदर बस को आज पहले दिन खाटू श्याम भेजा जा रहा है। HRTC के कई अधिकारी व कर्मचारी यहां पर आए हैं, जो यहां उद्घाटन समारोह की तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी बस के चालक संजू भाई हैं, जो बस को सजाने के लिए गुब्बारे फुला रहे हैं। यही आज बस को चंडीगढ़ तक भी लेकर जाएंगे। ये वाली बस इनको परमानेंट अलॉट हुई है और इसकी सारी सजावट इन्होंने खुद करवाई है। अब पंडित जी भी पूजा के लिए तैयार हैं। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी यहां पर चीफ गेस्ट हैं और वही बस को हरी झंडी देकर यहां से रवाना करेंगे। कुछ ही देर में फिर MLA साहब भी यहां पर पहुंच गए और यहां मौजूद सब लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद फिर जल्दी से पूजा शुरू की गई ताकि बस टाइम पर अपने सफ़र पर रवाना हो सके। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को यहां पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। ये चिंतपूर्णी सराहन बस भी यहां से निकल रही है, जो यहां से 4 बजे चलती है। साथ ही फिर हमारी बस भी चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के अपने पहले दिन के सफ़र पर निकल गई। चिंतपूर्णी से शुरू होकर हमारी बस अंब, ऊना, हरोली, टाहलीवाल, संतोषगढ़ व नंगल से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी
उसके बाद अंबाला, पेहवा, कैथल, बरवाला, हिसार, राजगढ़, झुंझुनू व सीकर से होते हुए खाटू श्याम तक जाएगी। बस एक तरफ कुल 753 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस यात्रा में इसका किराया 840 रुपये होगा। आज पहला दिन है तो एग्जैक्टली तो जाकर ही पता लगेगा, लेकिन अनुमान है कि ये बस करीब 16 घंटों में अपना सफ़र तय कर लेगी। बस में दो ड्राइवर लगेंगे, जिनमें से एक ड्राइवर बस को चिंतपूर्णी से चंडीगढ़ व दूसरे ड्राइवर इसे चंडीगढ़ से खाटू श्याम तक लेकर जाएंगे। मुबारकपुर से होते हुए फिर हम अंब पहुंच गए। हमारी ये बस सुपरफास्ट है तो ये कुछ मेजर स्टॉप्स पर ही रुकेगी। आज पहला दिन है तो संभव है कि बस थोड़ा लेट हो जाएगी, क्योंकि कई जगह बस को अभी स्वागत के लिए भी रोका जाना है। अंब में फिर हमारी बस को यहाँ वेलकम करने के लिए रोका गया। यहाँ पर सबको मिठाई खिलाई गई और सभी यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी गई। इसके बाद फिर बडूही के पास इस खाना खजाना ढाबा वालों ने भी यहाँ पर बस को स्वागत के लिए रोका। यहाँ पर गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा और कोल्ड ड्रिंक सबको दिया गया। धन्यवाद, थैंक यू जनाब। क्या हाल चाल है? हाल है जी। बढ़िया बढ़िया। आप भी जा रहे हो? बिल्कुल जी, चलो। हाँ जी हाँ। तो ऐसे छोटे छोटे स्वागत कार्यक्रमों के चलते आज ज्यादा टाइम लग जाना तो स्वाभाविक है। स्टाफ ने बताया कि आज टहलीवार तक ऐसे कई प्रोग्राम हैं, इसलिए बस को स्पीड से भगाया हुआ है ताकि टाइम से चंडीगढ़ पहुंच जाए, क्योंकि वहां से काउंटर टाइम उठाना जरूरी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पनोह के पास फिर से बस के स्वागत में यहाँ कई लोग इंतजार में खड़े थे।
यहाँ भी सबको मिठाई खिलाई गई। आज तो ऐसा लग रहा है कि खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर 5:30 बजे हमारी बस ऊना बस स्टैंड पहुंच गई। यहाँ से बस के चलने का समय 5:40 का है और डीजल डलवाते डलवाते टाइम तो हो ही गया। वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बस 5:15 या 20 तक ऊना बस स्टैंड से निकल जाया करेगी, क्योंकि वाया हरोली होते हुए इसे 8:15 तक चंडीगढ़ पहुँचना ही पड़ेगा। तो बस अभी ऊना से चलने के लिए तैयार है। अब कुछ आगे तक ड्राइवर प्रेम जी बस को चलाएंगे और फिर आगे चंडीगढ़ से खाटू शाम तक भी इन्हीं की ड्यूटी है। हमारी बस को अभी यहां से हरोली व टहलीवाल होते हुए जाना है, तो यहां से राइट की ओर मुड़ गई। सीधे नंगल जाना हो तो 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर से जाने में 20-30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यहां से ये सीधा रास्ता संतोषगढ़ की ओर जाता है और हमें राइट में हरोली की ओर मुड़ना है। और ये आ गया हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल, जो कि ऊना को हरोली से जोड़ता है। स्वा नदी पर बने इस पुल की लंबाई 773 मीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे लंबा पुल है। ये पुल पार करके हम स्वा नदी के उस तरफ हरोली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं और यहां भी बस के स्वागत में कई लोग खड़े हैं। यहाँ भी खूब सारी मिठाई विठाई खाकर फिर हम अब आगे चल पड़े। फिर 6:00 बजे हमारी बस हरोली पहुंच गई और यहाँ भी बस के स्वागत का कार्यक्रम है। चलो सिद्धी जान दो जरा।
हरोली से हमारी बस पेखुबेला व ललड़ी से होते हुए टाहलीवाल की ओर बढ़ गई। बस अपने निर्धारित समय से करीब 20-25 मिनट देरी से चल रही है और अब तो लग रहा है कि चंडीगढ़ टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। 6:35 पर फिर हम टाहलीवाल पहुंच गए और यहां एक बार फिर से बस को स्वागत के लिए रोक दिया गया। आज तो सच में इतना मीठा खा लिया कि पूछो मत। कोई भी मिठाई का डिब्बा यहाँ बस में पकड़ा जाता है और यहाँ वो सब खत्म हो जाता है। लोग इस नई शुरू हुई बस के लिए काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि वो अब खाटू श्याम, सीकर व हिसार के साथ सीधे जुड़ गए हैं। इस हरोली बीत एरिया से चंडीगढ़ की ओर जाने के लिए सुबह HRTC की गोंदपुर चंडीगढ़, पंडोगा हरोली चंडीगढ़ व हरोली चंडीगढ़ त्यूणी बसें उपलब्ध हैं। साथ ही CTU की बस भी सुबह हरोली चंडीगढ़ रूट पर चलती है, लेकिन अभी यहाँ नाइट सर्विस का ऑप्शन भी मिल गया है। टाहलीवाल एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ आने वाले लोग इस बस का फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनली फिर 7:15 हमारी बस टाहलीवाल से आगे चली। यहाँ टाहलीवाल में ये लास्ट स्वागत कार्यक्रम था, अब इसके बाद तो जल्दी से निकल जाएंगे। टाहलीवाल से आगे अब हम संतोषगढ़ होते हुए नंगल की ओर निकलेंगे। अभी ये स्वान नदी का पुल पार करके हम फिर से उस तरफ चले जाएंगे। अजोली से आगे फिर हम पहुंच गए नंगल पंजाब में। वाया हरोली व टाहलीवाल आने में वैसे तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ज़्यादा है, लेकिन तंग सड़क व ट्रैफिक की वजह से करीब आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है। आज तो स्वागत कार्यक्रमों की वजह से हमें ऊना से नंगल आने में 1:20 लग गए। अभी नंगल डैम का ये फ्लाईओवर भी खुल गया है तो चंडीगढ़ पहुंचने में करीब 30-45 मिनट की कमी आई है, वरना पहले जब ये पुल बन रहा था तब दूसरे गांव के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। पिछले करीब 2 साल तक सभी बड़े वाहन वहीं से होकर जाते रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी।
नंगल से अनंतपुर साहिब तक 2 लेन रोड है और यहाँ ट्रैफिक से डील करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आगे 4 लेन है तो अब बस ने रफ्तार पकड़ ली है। चंडीगढ़ से 8:40 का टाइम उठाना तो आज मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। फिर घनौली के पास इस ढाबे पर हमारी बस एक बोर्ड लेने रुकी जिस पे बस का टाइम टेबल लिखा हुआ है, और वो बोर्ड वहाँ खाटू श्याम बस स्टैंड पर लगाना है ताकि वहाँ आने वाले लोगों को बस की जानकारी मिल सके। यहाँ ये जसूर फरीदाबाद बस भी रुकी है। इसके बाद फिर करीब 9:15 हमारी बस चंडीगढ़ ISPT 17 में पहुंच गई। आज तो हमारी बस करीब 1 घंटा लेट हो गई है, वरना 8:15 तक यहां पहुंच कर 8:40 पर यहां से निकल जाया करेगी। यहाँ पर अभी हरियाणा रोडवेज की हिसार जाने वाली बस काउंटर पर लगी है और इसका टाइम 10:00 का है। अभी हमारी बस 10:00 के बाद ही यहाँ से जा पाएगी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में HRTC के जो अधिकारी होते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये आ गई शिमला टनकपुर बस। इस बस का भी जर्नी व्लॉग हमने अपने YouTube चैनल पर डाला है, अगर आप उसे देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हरियाणा रोडवेज की हिसार जाने वाली बस 10:00 यहाँ से निकली, तो उसके बाद अब हमारी बस काउंटर पर लग गई। हरियाणा रोडवेज की वो हिसार जाने वाली आखिरी बस थी, लेकिन हमारी बस को भी यहाँ से 2-3 सवारियाँ मिल ही गईं। लेकिन हमारा सफ़र लंबा है तो यहाँ पर बस 10 मिनट के लिए ही रुके। ये ऊना डिपो की शाहपुर दिल्ली बस भी यहाँ पर पहुँच गई है, जो ऊना से 7:00 चलती है। फिर 10:15 हम चंडीगढ़ से आगे के सफ़र पर निकल पड़े।
जीरकपुर से होते हुए फिर हम पहुंचे अंबाला सिटी और यहीं से हमें हिसार की ओर डाइवर्जन लेना है। इसके आगे का सफ़र अब बिल्कुल नया होगा, मतलब HRTC का कोई भी रूट इस तरफ नहीं जाता, तो यहाँ सब स्टेशंस देखने पड़ेंगे और कुछ हद तक तो गूगल मैप्स का सहारा भी लेना पड़ेगा। वैसे चंडीगढ़ से जो सवारियाँ बैठी हैं वो रास्ता दिखाने में मदद कर रही हैं। अंबाला सिटी से निकलकर फिर हम आगे फोर लेन पर मिल गए। अभी हमें हिसार तक तो फोर लेन मिलेगा ही, पर सिटीज़ में जाने के लिए फोर लेन से हटकर अंदर जाना होता है, तो आज तो सिर्फ वहीं जाएंगे जहां कोई उतरने वाली सवारी है। इस्माइलाबाद से तो हमारी बस बाहर से ही आ गई, लेकिन अभी यहाँ पेहवा में अंदर जाएगी, तो फोर लेन से हटकर हम यहाँ राइट की ओर मुड़ गए। फिर 12:15 बजे के करीब हम पहुंच गए पेहवा। आज हमारी बस वैसे 1.5-2 घंटे देरी से चल रही है, पर ये बस करीब 10:30 बजे यहाँ से निकल जाया करेगी। पेहवा एक धार्मिक शहर है और ऐसा माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें हजारों लोग मारे गए, तो युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर इसी स्थान पर अपने परिवारजनों का श्राद्ध किया व उनकी आत्मा शांति की पूजा की। हिंदू धर्म में आज भी किसी की मृत्यु के पश्चात हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के बाद उनके परिजन यहां पेहवा में श्राद्ध की विधि और पिंडदान करने आते हैं। फिर पेहवा से निकलकर हम दोबारा हाईवे पर आ गए। ये NH 152 है जो कि पंचकुला से अंबाला सिटी पेहवा कैथल होते हुए नरवाना तक है। ऐसे हाईवेज पर तो काफ़ी तेज़ी से सफ़र पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ से कैथल के लिए डाइवर्जन लेना है। कैथल हरियाणा का एक बड़ा शहर व ज़िला मुख्यालय है, तो कैथल तो अंदर से होकर ही जाना पड़ेगा। फिर कैथल से निकलकर हम दोबारा हाईवे की तरफ आ गए। रात के 12:40 हो रहे हैं, पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये बस आज लेट है, वरना 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाया करेगी। कहाँ जाओगे? आज तो शाम से इतना मीठा खाया है कि अब तक भूख नहीं लगी।
लेकिन अभी 1 बज रहे हैं तो अभी थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए किसी ढाबे पर रुकना पड़ेगा। आगे जो हरियाणा रोडवेज की बस हिसार गई है उसके परिचालक को हमारे परिचालक ने कॉल करके पूछा कि आप कहाँ रुकते हो, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो दिन में हमारी बसें कलायत से आगे एक ढाबे पर रुकती हैं, पर इस टाइम हमारी कोई बस वहाँ नहीं रुकी होगी। वैसे नॉर्मली हमारी बस का डिनर ब्रेक पीछे कहीं अंबाला और पेहवा के बीच हुआ करेगा, और पहले दिन वो सब भी तय करना था, लेकिन आज तो बस पहले ही लेट हो गई है और भूख भी किसी को नहीं थी। लेकिन आने वाले दिनों में उधर कहीं किसी ढाबे पर हॉल्ट तय किया जाएगा। तो फिलहाल हम अभी के लिए कोई ढाबा देख रहे हैं। नरवाना से हमारी बस बाईपास ही निकल जाएगी क्योंकि यहाँ उतरने वाली कोई सवारी नहीं है, और अभी हमें तो वैसे भी ढाबे की तलाश है। और यहाँ नरवाना में NH 152 भी ख़त्म हो जाता है, और अब हम आगे राजगढ़ तक NH 52 पर जाएंगे, जो कि मेजर नेशनल हाईवे है और संगरूर पंजाब से लेकर कर्नाटक के अंकोला तक है। ये हाईवे काफ़ी सही बना हुआ है और ट्रैफिक भी इतना नहीं है, वरना चंडीगढ़ दिल्ली जैसा हाईवे हो तो वहाँ तो रात को भी भर भर के ट्रैफिक होता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद टोल टैक्स देना पड़ता है। फिर सच्चा खेड़ा गांव के पास एक ढाबा खुला मिला तो बस को यहां पर रोक दिया गया, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी बज गए हैं तो इससे लेट तो फिर क्या ही रुकी। फिर यहां पर सभी ने बैठकर खाना खाया। ट्रक्स वाले ढाबे की एक बात तो है कि यहाँ सेटअप चाहे जैसा मर्जी हो लेकिन खाना एकदम फ्रेश और स्वादिष्ट मिलेगा। यहाँ पर हमारी बस करीब आधे घंटे के लिए रुकी और इसके बाद आगे के सफ़र पर निकल पड़े। अभी हमारी बस के दूसरे ड्राइवर, जिनको यहाँ सब लंबरदार जी कहते हैं, वो कुछ देर बस को चलाएंगे। यहाँ सूर्यवाल चौक से सीधा रास्ता उकलाना मंडी होते हुए फतेहाबाद की ओर निकल जाता है, और हमें यहाँ से लेफ्ट में हिसार की ओर जाना है। पौने 3 बजे के करीब फिर हमारी बस पहुँच गई बरवाला। चंडीगढ़ से यहाँ तक आने वाली सवारियाँ थी तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए बस अंदर से होकर गई, पर यहाँ की सड़क तो बहुत ही ख़राब है। शायद पिछले दिनों बरसात में आई बाढ़ की वजह से यहाँ सब टूट फूट सा गया है और हर जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। जल्दी ही फिर बरवाला से निकलकर हम दोबारा हाईवे पर आ गए, और सामने ये बरवाला का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट दिखाई दे रहा है।
फिर 4:15 बजे के करीब हम पहुंच गए हिसार। चिंतपूर्णी से चंडीगढ़ तक पहला पड़ाव था और अभी चंडीगढ़ से हिसार तक दूसरा, जो कि हमने पार कर लिया। अभी यहाँ से आगे तीसरा पड़ाव यानी खाटू श्याम तक हमें 6 से 7 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। यहाँ पर हमारी बस बस स्टैंड के अंदर गई और हिसार बस स्टैंड में आज पहली बार कोई HRTC बस रूट पर आई है। चिंतपूर्णी खाटू श्याम रूट की बस नॉर्मली यहां 2 बजे तक पहुंच जाया करेगी, लेकिन आज तो बस पहले ही 2 घंटे देरी से चल रही है, इसलिए यहां बस 5 मिनट के लिए रुके। आपने देख ही लिया कि ये हरियाणा रोडवेज का जहाज कैसे लैंड हुआ, इनका तो हिसाब ही अलग है। इसके बाद फिर जल्दी ही हम हिसार से आगे चल पड़े। बोले शाम को ले जाना। हिसार हरियाणा का एक बड़ा शहर और जिला है। हिसार फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है किला। वर्ष 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर किला बनवाया जिसका नाम हिसार ए फिरोज़ा रखा गया। बदलते वक्त के साथ अब हिसार ए फिरोज़ा से सिर्फ हिसार ही रह गया है। हिसार से निकलकर अब हम दोबारा NH 52 पर आ गए हैं और अब सीधे राजगढ़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ इस हाईवे पर कई जगह इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं कि कई बार तो वो दिखाई ही नहीं देते। एटलीस्ट अच्छी मार्किंग तो कर देनी चाहिए। फिर सिवानी से आगे हम हरियाणा राजस्थान सीमा पर पहुंच गए हैं। अब इसके आगे करीब 200 किलोमीटर का हमारा सफ़र राजस्थान में होगा। अब आ गए जी राजस्थान। राजस्थान एंटर करते ही फिर 2 लेन शुरू हो गया और इसको 4 लेन बनाने का काम अभी चल रहा है। यहाँ कई लोग पैदल सालासर बालाजी जा रहे हैं, जो न जाने कितना लंबा सफ़र पैदल ही तय करते हैं। फिर 5:30 बजे के करीब हमारी बस पहुंच गई राजगढ़ सादुलपुर। यहाँ पर फाटक बंद है तो हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा। राजगढ़ को ही अब सादुलपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक रास्ता चुरू व एक झुंझुनू के लिए जाता है और हमारी बस भी झुंझुनू से होकर ही आगे सीकर जाएगी। कुछ ही देर में फिर ट्रेन भी आ गई। और इसके बाद हमारी बस भी आगे झुंझुनू की ओर चल पड़ी। हम अभी नेशनल हाईवे छोड़कर स्टेट हाईवे पर आ गए हैं और मलसीसर होते हुए झुंझुनू जाएंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और उजाला भी होने लगा है। शंखू गांव के पास फिर हमारी बस सुबह की चाय के लिए रुक गई। रात भर से जग रहे हैं तो अभी एक चाय की चुस्की तो बनती है।
ये राजस्थान का शेखावती रीजन है। राजस्थान का इतिहास राजा महाराजाओं का ही रहा है। यहाँ शेखावती राजपूतों का शासन होने की वजह से इस रीजन को शेखावती कहा जाता है। इस रीजन में राजस्थान के झुंझुनू, सीकर व चुरू ज़िले के हिस्से आते हैं। ये एरिया थोड़ा सेमी एरिड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेत भी काफ़ी है। अब जैसे जैसे हम राजस्थान के वेस्ट में जाते रहेंगे तो ड्राई रीजन और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बस करीब आधा पौना घंटे के लिए रुकी रही और यहाँ फ्रेशन अप होने के बाद सबने चाय पी। ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लड़ी है सानू दिखी। बोले हिमाचल वाले डाकू आ गए। ये रोडवेज है, रोडवेज है। हाँ, रोडवेज ऐसी भी होती है। हाँ, वो पखली बस देख के तो फिर उमदा ही है। ये यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जो राजगढ़ से हमारी बस में बैठे हैं। फिर इसके बाद हम अपने अगले सफर पर निकल गए। ये तो पहुंच जाएगा जी, चावल मारना जाएंगे। नहीं मारना, अभी हमारे चालक प्रेम सिंह जी बस को चलाएंगे। आज बस में दो ड्राइवर हैं। प्रेम जी आज यहाँ खाटू श्याम में रुक जाएंगे और दूसरे ड्राइवर लंबरदार जी शाम को बस लेकर चंडीगढ़ तक जाएंगे और प्रेम जी जो बस कल आएगी उसे लेकर चंडीगढ़ तक जाएंगे। फिर इसी तरह ड्राइवर चंडीगढ़ से जो बस लेकर आएंगे वो खाटू श्याम में रुकेंगे और यहाँ पर उनको कम्प्लीट रेस्ट मिलेगी। वहीं कंडक्टर ऊना से खाटू श्याम तक आएंगे और उनको भी यहाँ पर एक दिन की रेस्ट दी गई है। अभी सनराइज भी हो गया है और हम राजस्थान के इस ग्रामीण एरिया में चल रहे हैं। सर्दियों में यहाँ काफ़ी ठंड भी होती है और धुंध भी पड़ती है, तो उन दिनों में थोड़ी मुश्किल रहती है। ये मलसीसर बाईपास है और यहाँ रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। NH-52 राजगढ़ से वाया चुरू होते हुए सीकर में मिलता है, लेकिन वो रूट थोड़ा लंबा पड़ता है। ये वाया मलसीसर रोड बीच बीच में थोड़ा ख़राब है, पर ये काफ़ी शॉर्ट है और इसे ठीक करने का काम भी चल रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है तो सफ़र जल्दी तय हो जाता है।
आगे से ये राजस्थान झुंझुनू डिपो की बस आ गई और इन्होंने यहाँ बातचीत करने रुकवा लिया। और ये राजस्थान बस वाले भाई साहब ने यहाँ आने पर बधाई दी और कहा कि यहाँ बिंदास चलो, कभी कोई प्राइवेट बस वाले परेशान करे तो बिल्कुल नहीं डरना। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया और कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। पीछे हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से बातचीत की और यहाँ के बारे में गाइड भी किया। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि इंटरस्टेट रूट्स पर चलना है तो एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर 7:30 बजे के करीब हमारी बस पहुंच गई झुंझुनू और यहां सीधा बस स्टैंड में जाकर रुकी। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आज बस 2 घंटे लेट है, वरना 5:30 बजे तक बस यहां झुंझुनू बस स्टैंड पहुंच जाएगी। यहाँ पर फिर हमारी बस काउंटर पर लग गई। RSRTC के स्टाफ को इस रूट के बारे में जानकारी भी दी गई तो सब काफ़ी एक्साइटेड थे। लोग भी इस बस के टाइम के बारे में क्वेरीज कर रहे थे। दरअसल चंडीगढ़ से झुंझुनू व सीकर आने व जाने के लिए रात के समय कोई सर्विस नहीं है, तो HRTC की ये बस इस लाइन पर एक बढ़िया विकल्प बनकर आई है। फिर यहाँ पर 5-10 मिनट रुकने के बाद हमारी बस आगे चल पड़ी। राजस्थान में इस तरफ 2 बड़े धार्मिक स्थान हैं, एक श्री खाटू श्याम जी और दूसरा श्री सालासर बालाजी। इन दोनों ही जगहों पर दूर दूर से श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं। हम पीछे कैथल से देखते आ रहे हैं कि कई लोग पैदल ही सालासर बालाजी जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हैं। कुछ लोग तो दंडवत तो कुछ डाक झंडा लेकर भी पहुँचते हैं, जिसमें उनको ये दूरी भाग भाग कर तय करनी होती है।
इसके बाद फिर करीब 9:15 बजे हम पहुंच गए सीकर बस स्टैंड। ये वर्कशॉप है ना। यहाँ भी हमारी बस काउंटर पर जाकर लग गई। आज तो जैसे 9:15 हो गए हैं, मगर कल से ये बस सुबह करीब 7 बजे यहाँ पहुँच जाया करेगी। यहाँ ये CTU की बस भी चंडीगढ़ जाने के लिए लगी है, जो कि खाटू श्याम से सुबह 8:30 बजे और यहाँ सीकर से करीब 9:30 बजे चंडीगढ़ के लिए निकलती है। चंडीगढ़ जाने के लिए CTU की इस बस के अलावा हरियाणा व शायद राजस्थान की भी कोई बस उपलब्ध होगी, लेकिन सभी बसें सुबह के समय ही हैं। अभी HRTC की ये नई रात्रि सेवा शुरू हो गई है, जो चंडीगढ़ से 8:40 पर चलेगी और 7:00 बजे यहाँ सीकर पहुँच जाएगी। वहीं वापसी की बात करें तो 6:30 बजे यहाँ सीकर से चलकर 4:00 बजे चंडीगढ़ पहुँच जाया करेगी। चंडीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, नालागढ़, बद्दी, मंडी, कुल्लू, मनाली या ऊना से आगे हमीरपुर या कांगड़ा साइड कहीं भी जाना हो तो ये बस काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि सुबह आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे और वहां से आगे कहीं भी जाना हो तो काफ़ी बसें उपलब्ध रहती हैं। यहाँ भी हमारी बस कुछ देर के लिए ही रुकी और अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ी। खाटू श्याम जी धाम अभी यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। आज पहला दिन उद्घाटन करके आए हैं। पीछे वो कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की शाखाएं हैं। इन सभी पहाड़ियों पर कई सुंदर किले व महल बने हुए हैं। बोल खाटू महाराज की जय। हमारी बस में पलसाना की कई सवारियां थीं तो बस हाईवे छोड़कर यहां अंदर से होकर आई। इस बस में आप हिमाचल या चंडीगढ़ से आकर आगे जयपुर, अजमेर, मेड़ता, जोधपुर आदि कहीं भी जा सकते हैं। सीकर यहां का एक बड़ा शहर है और सीकर से इन सभी शहरों के लिए नियमित बसें उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर फिर NH 52 छोड़कर हम राइट में खाटू श्याम जी धाम की तरफ मुड़ गए और ये है श्री श्याम जी द्वार। अभी खाटू श्याम यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। Yeah.
करीब 10:15 बजे हमारी बस पहुंच गई श्री खाटू श्याम जी के धाम। यहां पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन शाम होते होते ये भीड़ और बढ़ जाएगी। दूर दूर से लोग यहां खाटू श्याम जी के धाम में दर्शन करने आते हैं, और अब हिमाचल से भी खाटू नगरी तक सीधी बस पहुंच गई है। हाँ जी आओ आओ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और हो तो दोस्तों, HRTC ऊना डिपो की बस श्री खाटू श्याम जी के धाम पहुंच गई है। माता चिंतपूर्णी से 753 किलोमीटर का सफ़र आज हमने 18 घंटों में तय किया है, और जैसा कि हमने बताया कि आज तो 2 घंटे लेट है, वरना ये सफ़र 16 घंटों का बनेगा। बस यहां पर सुबह करीब 8 बजे पहुंच जाया करेगी। ये यहां का छोटा सा बस स्टैंड है। पार्किंग स्पेस तो यहां पर बहुत बड़ा है, लेकिन काउंटर्स बस 3-4 ही हैं। यहाँ खाटू श्याम बस स्टैंड स्टाफ द्वारा सबको पहले चाय पिलाई गई, और फिर HRTC स्टाफ के रहने के लिए टेम्परेरी इंतजाम भी करवाया गया। मैं भी उन्हीं के साथ रुक गया, और फिर नहा धोकर अब चलते हैं बाबा श्याम के दरबार। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई? ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमेशा ऐसी भीड़ बनी रहती है, और अभी शाम के समय तो ये भीड़ और ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहले हम गए श्याम कुंड, जो कि मंदिर के पास ही है। यहाँ पर इस पवित्र कुंड में लोग स्नान करते हैं। आइए साथ में ही जान लेते हैं श्री खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में। खाटू श्याम की कहानी जुड़ी है महाभारत के समय से। हिडिंबा, जो राक्षसी कुल से संबंध रखती थी, उनका विवाह भीम से हुआ, और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। हिमाचल के अधिकतर लोग तो इससे परिचित होंगे, क्योंकि मनाली में माता हिडिंबा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, और घटोत्कच की भी वहां पर पूजा होती है। फिर घटोत्कच के पुत्र हुए बार्बरिक, जो अब खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। बार्बरिक एक पराक्रमी योद्धा थे, और भगवान शिव की कठिन तपस्या से उन्होंने 3 अभेद बाण भी प्राप्त किए, जिससे वो अजय हो गए। इसलिए इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के समय बार्बरिक ने युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं किसका साथ दूँ। तो उनकी माँ को लगा कि कौरवों के पास विशाल सेना है और पांडव उसमें हार जाएंगे। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम उसका साथ देना जो हार रहा होगा। निश्चित तौर पर जिस तरफ बार्बरिक होते, वो पक्ष हार नहीं सकता था। लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें लगा कि अगर युद्ध में कौरवों को हारता देख बार्बरिक ने कहीं उनका साथ दे दिया, तो पांडव और धर्म की पराजय हो जाएगी। तब युद्ध में जा रहे बार्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण कर रोक लिया, और दान में उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक ने अपना सिर काट ब्राह्मण के चरणों में रख दिया, और श्री कृष्ण ने उसे अमृत से सींच कर अमर कर दिया। बार्बरिक जानते थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनके शीश ने असली रूप देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इसके पश्चात बार्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, तो उनका शीश एक ऊंची जगह पर स्थापित किया, और वो इस भीषण युद्ध के साक्षी बने। श्री कृष्ण ने ही उन्हें अपना नाम श्याम दिया, जिस नाम से आज वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। खाटू इस गांव का नाम है जहां श्री श्याम का मूल स्थान है, इसलिए इन्हें खाटू वाले श्याम या खाटू श्याम कहा जाता है। और श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को कलयुग में पूजे जाने का वरदान भी दिया था।
तो दोस्तों ये था माता चिंतपूर्णी से श्री खाटू श्याम जी तक का हमारा सफ़र। अभी हमारी बस शाम 5 बजे यहाँ खाटू श्याम से वापस चिंतपूर्णी के लिए निकलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे खाटू श्याम जी आना हो या सालासर बालाजी या फिर जोधपुर या जयपुर साइड कहीं भी जाना हो तो आप इस बस से सीकर तक आ सकते हैं। उम्मीद है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को इस रात्रि बस सेवा का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इस बस का अपडेटेड टाइम टेबल आप पिंड कमेंट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहां पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से प्रोग्राम बनाओ और श्री खाटू श्याम जी व सालासर बालाजी के दर्शन करके आओ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय माता चिंतपूर्णी।